आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंडीदीप दौरे के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पचौरी के समर्थक जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। पचौरी समर्थक नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। मंडीदीप के दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा राजा जैन की बीजेपी में वापसी हुई है। मंडीदीप नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष जगदीश शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रमेश गौर और उद्योगपति गौरव पचौरी बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा 12 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो झटका केवल रायसेन में नहीं बल्कि छिंदवाड़ा में भी लगा है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक गंभीर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। कई कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुरैना जिले के भी 6 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा, पीडी शर्मा, एदल सिंह कंसाना जो मंत्री हैं उन्होंने इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छिंदवाड़ा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, बंटी साहू जी, हमारे एदल सिंह कंसाना जी और पूरे छिंदवाड़ा के लोग आज यहां पर उपस्थित हैं। मैं सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने माइक्रो लेवल मैनेजमेंट के लिए बूथ विजय अभियान का आगाज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अभियान के तहत भोपाल के गोविंदपुरा बूथ पर गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार हम लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक वोट शेयर हासिल करेंगे। उन्होंने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कहा कि प्रदेश और देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। हर बूथ पर पिछले चुनाव से 370 वोट ज्यादा लेने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना बैठक की बैठक के बाद अंतराल है, इसलिए अध्यक्ष जी की अनुमति से हम चाय पीते हैं। और आपने ठीक कहा, लेकिन सर कार्यकर्ताओं का तो मोरल बूस्ट होता है ना, यही हमारी ताकत है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है तो बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और ये केवल मैं नहीं कहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के लोकप्रिय नेता, सशक्त और ताकतवर नेता, उनके कारण दुनिया में लोग हिलते हैं। अमित शाह जी जैसे लोगों को लोग देखते हैं, लोगों को लगता है क्या होगा, कहीं अमेरिका में अलट पलट नहीं हो जाए। ऐसे सशक्त ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। तो जो आपने कहा कि पिछली बार हमने बूथ विस्तार का अभियान लिया था, बूथ विजय संकल्प लिया था, इस बार हमने बूथ विजय का अभियान लिया है 64,523 बूथों पर। आज से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो 41 लाख की संख्या में डिजिटली इनरोल्ड है, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, चाहे माननीय मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, हर बूथ पर 10 दिन, हर दिन 2 घंटे, और उनमें 10 प्रकार के कामों की चर्चा करना, और माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प 370 प्लस नए मतदाता जोड़कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ, तो हर बूथ पर 370 नए मतदाता बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी को प्लस करते हुए यह हमारा संकल्प है।